हम जो देख रहे थे बड़े दिनों से, यहाँ शिकायत भी आ रही थी कि यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैमिंग है, मीडिया ने भी ये न्यूज़ उठाई और लोगों ने भी हम तक आए और बोलने लगे कि ये यहाँ बहुत ज़्यादा जैमिंग हो रही है। तो इसी सिलसिले में आज हमने एक मेजर ड्राइव शुरू किया, इसमें रेवेन्यू और ट्रैफिक पुलिस के अलावा म्यूनिसिपलिटी भी हमारे साथ थे और आपने देखा असर इस वक्त बहुत दिख रहा है। कब तक ये इंशाल्लाह हम आगे भी जारी रखेंगे और मेरी लोगों से गुजारिश है कि वो अपनी गाड़ियां जो है पार्किंग एरिया में पार्क करें और रास्ते पे पार्क नहीं करें ताकि ये जैमिंग का मसला यहां हल हो जाए। थैंक यू सर। ट्रैफिक जाम का मसला नहीं है, मसला असली है ट्रैफिक रेगुलेशन का। बिजबारा में 1960 से जो सड़क चल रही है वो ट्रैफिक तकरीबन 20 गुना बढ़ गया है। यहाँ ट्रैफिक जाम एक रोज़मर्रा मामूल बन चुका है। इसको काम करने के लिए और इसको थोड़ा रेगुलेट करने के लिए आज ट्रैफिक सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन और म्यूनसिपल कमेटी बिजबारा के ताउन से हमने एक मुहिम चलाई और आज तक 32 चालान दर्ज हो चुके हैं ट्रैफिक वायलेशन के। और ये कंपेन जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत के तहत आइंदे भी जारी रहेगी और इसमें कोई लटाप नहीं होगा। हमारा और मदा और मकसद यह है कि लोगों को अवेयर करें कि ट्रैफिक रूल्स ट्रैफिक रेगुलेशंस वो फॉलो करें, इलीगल पार्किंग को ख़त्म करें और लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाएं। मैं रोज़ कर रहा हूँ, पिछले महीनों से मैं रोज़ कर रहा हूँ, कभी कभी ट्रैफिक ज़्यादा ही आता है, कभी बारिश की वजह से परसों ज़्यादा आया है। और जो आर्मी क्रॉसिंग है, आर्मी जो कट ऑफ है हो गया है, इस वजह से ट्रैफिक तमाम यहाँ से आ रहा है जा रहा है और हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो यहाँ के टाउन के दुकानदार हैं साहिबान हैं शॉपकीपर्स हैं, उनको मैंने बारहा ये कहा कि आप अपनी गाड़ियों को या कस्टमर की गाड़ी को यहाँ रुकने मत दीजिए, रोड पर मत गाड़ी रखिए, तो जिस वजह से ट्रैफिक ज़्यादा फ्लो बढ़ता है। बाकी तो मेरे जो कुलीग है, मेरी जो आदमी एक ऑफिस है, वो तो रोज़मर्रा की अच्छी तरह ड्यूटी देते हैं, लेकिन आर्मी कट की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है। तो हम गुजारिश कर रहे हैं, हमने आज भी तमाम दुकानदारों से बादशाही बाग से इधर अस्पताल तक तमाम को गुजारिश की है कि आप आइंदा ख्याल रखें और कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के सामने ट्रैफिक गाड़ी या कोई भी गाड़ी या कस्टमर की गाड़ी न रखे, उसके खिलाफ तहत जाबता मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मैं कार्रवाई करूँगा। शुक्रिया।